है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, JEE 2024 जनवरी वाला शिफ्ट, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था। यानी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए। हाँ हाँ, उसके लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी JEE एंड नीट का जो तैयारी कर रहे बच्चे, दोनों इसको ध्यान से पढ़ोगे, हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है ना उसको साथ में जरूर रखोगे। हैंड रिटन नोट्स के बारे में बताऊं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बात, उसका खास बात यह है कि अगर उसको आप पूरा पढ़ जाते हो तो JEE एंड नीट का एग्जाम जब देने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि सारा सवाल उसी नोट से दे दिया गया है। मजा आएगा एग्जामिनेशन हॉल में तुमको, इसलिए उस हैंड रिटन नोट्स को पूरा ठीक से पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं SHM। SHM को समझने से पहले तुमको जानना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तब जाके समझ में आएगा कि SHM क्या होता है। तो एक एक को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन क्या है। क्या समझेंगे? पीरियोडिक मोशन क्या है, देखो पीरियोडिक मोशन के बारे में कहा जाता है, ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। या ऐसे कह सकते हो, द मोशन विच रिपीट्स ओवर द सेम पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। समझाता हूं एग्जाम्पल से। देखो यहां पर मैं एक सर्किल लेता हूं, ध्यान से समझोगे, यहां पर एक इलिप्स लेता हूं, क्यों लिए है समझ में आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम सुने हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि ये मान लेते हैं एक बॉडी है और इस तरह से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? निश्चित अंतराल के बाद, यानी स्पीड इसका कॉन्स्टेंट होता है ना, स्पीड इसका क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है ये। तो ये जो मोशन करेगा ना, ये हमारा पीरियोडिक मोशन हो। जैसे देखो इलिप्स है, यहां पर मान लेते हैं सन है, यहां क्या है? सन, समझते हैं ना, सन, सन है यहां पर, और अर्थ यहां पर है, अर्थ, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में, पता है? पता है। तो ये जो पाथ जाता है ना, एक ही पाथ पर बार बार जाता है, कितना टाइम के बाद वो रिपीट करता है? मिनिमम टाइम जिसके बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 365 डेज, 365 दिन हम लोग जानते हैं ना, 365 दिन। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे यहां पर है अर्थ, यहां पर है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, मून, तुमको पता है ये भी इलिप्टिकल पाथ ही होता है, हम ऐसे बना दिया, तुमको पाथ पर ध्यान नहीं देना है। ये रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ मून, कितना टाइम इंटरवल के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करता है? 27 दिन के बाद। ये भी समझ में आएगा तुमको, इसका मतलब एक ही पाथ को सर्टेन फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ये भी हो सकता है जैसे सिंपल पेंडुलम, नाम सुने हो सिंपल पेंडुलम, ये हमारा बॉब है, क्या है हमारा बॉब, देखो ऐसे आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो ये भी हमारा एक ही पाथ को बार बार कर रहा है कि नहीं, एक ही पाथ को बार बार कर रहा है, तो इसलिए ये भी हो गया पीरियोडिक मोशन। ये भी हो सकता है जैसे देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये सरफेस है और इस पर एक बॉडी ले लिया, बॉडी, ये बॉडी है, और ये बॉडी देखो यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, अब फिर यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो ये भी हमारा देखो एक ही पाथ को बार बार दोहरा रहा है ना, तो ये भी हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। जैसे ये भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं एक ट्यूब ले लिए, क्या ले लिए? एक ट्यूब ले लिए, और इस ट्यूब में भर दिए पानी, इस ट्यूब में क्या भर दिए? पानी भर दिए, इस ट्यूब में पानी भर दिए। अब एक तरफ इसको दबा के छोड़ दो, इसको दबा के छोड़ दोगे तो क्या करेगा? ऐसे ऐसे करेगा ना, ऐसे 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 करेगा, ऐसे ऐसे, यानी इसको नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन।
तो थोड़ा थोड़ा क्लियर है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो अपने पाथ को सर्टेन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, उस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब रही बात की ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वो समझते हैं हम लोग। ऑसिलेटरी मोशन तो कहता है कि जैसे एक समझ दो ऑसिलेटरी मोशन, जैसे ये देखो सिंपल पेंडुलम लिए। ऑसिलेटरी का दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन। वो क्या होता है? तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट के आगे पीछे जाना चाहिए, एक ही पॉइंट के आगे पीछे, यानी एक ही पॉइंट के आगे पीछे। तो कहता है ऑसिलेटरी मोशन ऐसे मोशन को बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? जैसे देखो ध्यान से समझना, जैसे देखो ये है स्प्रिंग लगा हुआ और इस बॉडी को खींच के छोड़ दो, इस बॉडी को खींच के यहां तक छोड़ दो, खींच के छोड़ दोगे तो क्या होगा? स्प्रिंग है, क्या करे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा वाइब्रेटरी मोशन यानी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी को वाइब्रेटरी इसलिए बोलते हैं कि वाइब्रेट करना मतलब क्या, थर 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 करना, मतलब एक ही पॉइंट के आगे पीछे जाना को वाइब्रेटरी बोलते हैं। तो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी असल में एक ही होता है। क्लियर है? अब हम लोग जरा पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में अंतर को समझते हैं, अंतर क्या है दोनों में। तो ये पहले समझो, ट्रू फॉल्स करना है। ऑल पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। बताओ, ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा है ऑल ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। समझ में आया? जैसे तुमको एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, ट्रिक बताओ, ट्रिक। जैसे देखो पीरियोडिक मोशन है, ट्रिक समझो, पीरियोडिक मोशन है, एक है पीरियोडिक मोशन और दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन को मान लो, पीरियोडिक मोशन को मान लो पास, एक स्टूडेंट है जो पास किया मतलब पीरियोडिक मोशन है, और दूसरा स्टूडेंट है जो फर्स्ट डिवीजन किया, फर्स्ट डिवीजन किया। अब तुम ये बताओगे मुझे, जो स्टूडेंट पास किया तो क्या वो फर्स्ट डिवीजन किया? जो स्टूडेंट पास किया क्या वो फर्स्ट डिवीजन किया? जो पास किया वो तो फर्स्ट डिवीजन किया जरूरी तो है नहीं, यानी जो पास किया जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीजन करेगा। यानी जो पीरियोडिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन किया वो पास किया कि नहीं किया? फर्स्ट डिवीजन किया तो पास तो जरूर किया होगा। हाँ, तो इसका मतलब जो ऑसिलेटरी होगा ना वो जरूर से जरूर से जरूर पीरियोडिक होगा। यानी जो पीरियोडिक होगा कोई जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी होगा, लेकिन जो ऑसिलेटरी होगा वो निश्चित रूप से पीरियोडिक भी होगा। यानी पहला क्या है, ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी, हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी होगा? नहीं। ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, यस। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, हड़बड़ाओ मत, एग्जाम्पल, मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक, बट ऑसिलेटरी है क्या? बट नॉट ऑसिलेटर।
समझ में आया? जैसे देखो, मोशन ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, मोशन ऑफ बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, मोशन ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी है पीरियोडिक भी है, मोशन ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटरी, एज वेल एज पीरियोडिक, समझ में आ गया, यानी जो ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक जरूर होगा, मामला क्लियर है, यानी ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में अंतर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मोशन को, हार्मोनिक मोशन समझना ध्यान से, तो कहता है इट इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, यानी पीरियोडिक में हम लोग कंडीशन लगाए, पीरियोडिक में था कि कोई भी पाथ पर रिपीट करे, ऑसिलेटरी में रिपीट करे पाथ को लेकिन एक ही पॉइंट के आगे पीछे, तब वो जाके ऑसिलेटरी होगा, लेकिन ऑसिलेटरी में भी कंडीशन अगर हम लोग लगा देते हैं कि ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसको साइन एंड कॉस में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वही होता है हार्मोनिक, यानी इट इज स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इफ ऑसिलेटरी मोशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन देन इट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। आगे जाके तुमको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि मतलब इक्वेशन देंगे और तुमको बोलेंगे पहचानने के लिए कि कौन कैसा मोशन है, इसलिए अभी टेंशन नहीं लेना है। हार्मोनिक मोशन उस मोशन को बोलेंगे, आगे समझ में आएगा तुमको, जो ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस हो और जिसके इक्वेशन को हम लोग साइन एंड कोसाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये SHM क्या है, क्या समझेंगे, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये हार्मोनिक केस का भी स्पेशल केस है, यानी पीरियोडिक पर केस मतलब कंडीशन लगाए तो ऑसिलेटरी हुआ और उस पर कंडीशन लगाए तो हार्मोनिक हो गया, और उस हार्मोनिक पर भी कंडीशन लगाएंगे तो SHM होगा, यानी हार्मोनिक का स्पेशल केस है। क्या है, क्या है स्पेशल केस, इट इज स्पेशल केस ऑफ हार्मोनिक मोशन। पहला पॉइंट हुआ कि ये हार्मोनिक मोशन का भी स्पेशल केस है, उसमें भी कंडीशन लग गया है, यानी साइन एंड कॉस में तो एक्सप्रेस होगा ही होगा और साथ ही कुछ और शर्त इसमें जुट गया है। एक दो लाइन इसमें और सीख लो, जिसमें पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल, लीनियर SHM की बात बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन में, कलर बदल लेता हूं है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन में, जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, एक एक करके समझाऊंगा, किसी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, और उसमें दो और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और नंबर एक में फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगता है, ये क्या हो गया भाई, फोर्स मीन पोजीशन आगे समझाऊंगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन के ओर लगता है, और इसमें दूसरा जो शर्त है, दूसरा शर्त है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और माइनस लगा के। नेक्स्ट पेज में समझाता हूं ठीक से क्या है। इस एग्जांपल को समझो, जैसे कि ले लिया
यही ले लेता हूं, स्प्रिंग मास ले लेता हूं, स्प्रिंग ये है मास और ये स्प्रिंग, और ये है हमारा मीन पोजीशन मान लेते हैं। क्या है हमारा मीन पोजीशन? ध्यान से समझोगे आप, देखो इसको हम लोग इधर खींचते हैं, इधर खींच दिए मान लेते, बॉडी को राइट साइड खींच दिए, इधर बॉडी को राइट साइड खींच दिए, राइट साइड खींच दिए इधर, एक केस लिए, दूसरा इधर भी दबा सकते थे, इधर बॉडी को लेफ्ट साइड दबा दिए, ध्यान से समझोगे, इधर एक्स दबा दिए, तो डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट साइड है। अब स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा बोलो, स्प्रिंग इस पर किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट साइड, यस। तो फोर्स इधर हो और डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, तो कहता है ये जो फोर्स है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का होगा और माइनस साइन के साथ होगा। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है, माइनस साइन बताता है, ऐसे पहले समझाता हूं, माइनस साइन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होगा तो फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होगा तो फोर्स इधर होगा, यही है माइनस साइन। ये वेक्टर के सिंबल को, वेक्टर के चिन्ह के ऊपर से एरो हटाते हैं, तो एफ बराबर माइनस के एक्स टाइप होना चाहिए, क्लियर है? एफ बराबर माइनस के एक्स टाइप का, क्लियर है? इस निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन बताता है, क्या बताता है? फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। निगेटिव साइन क्या समझाता है? नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, याद रखना, फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, सही है? अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो F बराबर अगर माइनस के एक्स, जहां K को बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, तो F बराबर हम लोग M इंटू ए लिख सकते हैं, F बराबर M इंटू ए, तो M इंटू ए लिख सकते हैं, M इंटू ए लिख दिए इसको, तो बराबर माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, के बाय एम इंटू एक्स, ध्यान रहे। अब ये जो देख रहे हो ना के बाय एम, इस के बाय एम को ध्यान से देखो, इस के बाय एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बटे, अगर के बटे एम को ओमेगा स्क्वायर मान देते हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और इस माइनस को इधर ले आओगे तो क्या होगा? ए प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में थोड़ा कर देता हूं। एसएचएम का इक्वेशन क्या आया? एफ बराबर का क्या आया? एफ बराबर माइनस के एक्स आया, ठीक। एफ के जगह एम इंटू ए लिख सकते हैं, एफ बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, ऐसे आया, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ध्यान से समझना, और ये के बाय एम को क्या लिखेंगे हम लोग? ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, के बाय एम को क्या लिखेंगे? के बाय एम को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, इसके बारे में आगे जाएंगे हम लोग, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, a के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं, a के बारे में पता है तुमको? a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है dv बटा dt, a बराबर क्या होता है? dv बटा dt। अब देखो ये जो v है ना, v ये भी देख रहे हो ना, इस भी को लिख सकते हैं dx बटा dt, तो इसका मतलब a बराबर, यानी x को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो भी आया, और भी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो a आया, तो इसका मतलब हुआ कि दो बार डिफ्रेंशिएट किए x को, ये हुआ इसका मतलब, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजिशन, यानी a के जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। तो फिलहाल यहां समझना, ये भी एसएचएम का इक्वेशन है,
ये भी SHM का इक्वेशन है, ध्यान से समझना, ये SHM का इक्वेशन है और ये SHM का इक्वेशन है। तो इसका क्या नाम है, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखो, क्या बोले इसको, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, और इसको बोलते हैं सिंपली इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, फिलहाल यहीं पर हम कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं, काम आएगा तुमको। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बोले, k बटे एम बोले, तो ओमेगा बराबर क्या बोलेंगे, अंडर रूट के बाय एम, ऐसे हो जाएगा। आगे चल के समझ में आएगा, ओमेगा असल में यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद रखना ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी, ओमेगा बराबर क्या याद रखोगे, 2 पाई बाय टी याद रखोगे, टी है टाइम पीरियड, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, तो टी बराबर यहां क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा बराबर अगर 2 पाई बाय टी होगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी टी अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा, टी अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, टी पूछेगा तो बोलेंगे 2 पाई बट ओमेगा, और 2 पाई ओमेगा भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम बट के, यानी अगर टाइम पीरियड पूछे, टाइम पीरियड पूछे तो याद रखना टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट निचल का बटे ऊपर का, याद कर लोगे। ये अगर इक्वेशन ऑफ SHM अगर ए बराबर माइनस के बट एम इंटू एक्स है तो टाइम पीरियड बोलेंगे 2 पाई अंडर रूट निचल का बटे ऊपर का, 2 पाई अंडर रूट निचल का बटो, बोलेगा ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट के बट एम, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट निचल का बटो ऊपर का, याद रखोगे तो सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। एक बार फिर से फ्रेश कर लेते हैं, अगर ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स रहे तो याद कर लेना ओमेगा बराबर क्या बोलेंगे, ओमेगा बराबर बोलेंगे अंडर रूट के बट एम, ओमेगा बराबर बोलेंगे अंडर रूट के बट एम, ओमेगा बराबर याद रखना 2 पाई बटे टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, तो यहां से अगर बोलेगा टाइम पीरियड क्या होगा तो 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा की जगह भागा देंगे तो उलट जाएगा ना, तो एम बटे के यहां कर देंगे, यानी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट निचल का बटे ऊपर का, समझ में आया। फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टाइम पीरियड, इसका मतलब 1 बटा 2 पाई उलट जाएगा फिर ये तो के बटे एम, नहीं यानी इसी को लिख सकते हैं 1 बटा टी बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई इंटू एफ, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी और ओमेगा बराबर 1 बटा टी बराबर एफ यानी 2 पाई इंटू एफ। आगे क्लियर होगा, टेंशन नहीं लो। अभी इस पर एक एग्जाम्पल करके हम लोग दिखाते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। If equation of SHM is A is equal to minus alpha by beta into x है, A is equal to ऐसा दिया हुआ, या ऐसा बोलेगा A यहां acceleration है alpha by beta into x बराबर जीरो, या ऐसे दे सकता है, या क्या, या कैसा दे सकता है, ऐसा दे सकता है d square x by dt square इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू एक्स बराबर जीरो, ध्यान रहे तीनों एक ही चीज है। तो बोलेगा फाइंड टाइम पीरियड, क्या बोलेगा, फाइंड नंबर एक में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जिसको बोलते हो, नंबर एक में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ और दूसरा बताओ टाइम पीरियड। तो जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर बोले ना तो ओमेगा के बारे में सोचेंगे, टाइम पीरियड बोलेगा तो टी के बारे में सोचेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, ये जो देख रहे हो ना एक्स का जो कोफिशियंट है ना, यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही अल्फा बाय बीटा का। अब बोलेगा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बटा ओमेगा, क्या होता है 2 पाई बटा ओमेगा, और यहां से देखेंगे तो 2 पाई अंडर रूट निचल का बटा ऊपर का, ध्यान रखना निचल का यहां पर कितना है बीटा, ऊपर का कितना है अल्फा, तो बीटा बाय अल्फा हो जाएगा।
मजा आ गया होगा। एक और सवाल बना के देखते हैं। इफ इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज इक्वल टू -3/4x, जहां ए एक्सलरेशन है, ऐसा बोले चाहे बोले इज इक्वल ए +3/4 × x = 0 बोले, या ऐसा बोले, ध्यान रखना क्वेश्चन किस किस टाइप से हो सकता है, ऐसा बोले तो तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। या ऐसा भी बोल सकता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं 4a + 3x = 0, ऐसे भी बोल सकता है। तो बोलेगा फाइंड नंबर एक में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दूसरा नंबर में टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा बराबर क्या होगा बताओ, और टाइम पीरियड बराबर क्या होगा जल्दी बताओ। ओमेगा बराबर यस √3/4 ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना यहां ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4। तो ओमेगा बराबर कितना होगा 3/4 का रूट, और टाइम पीरियड बराबर 2π/ω। तो सीधा सीधी बोले थे रटने के लिए निचल का बटा ऊपर का, 2π√ निचल का बराबर 4 ऊपर का बराबर 3। मजा आ रहा है? यस। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे, जो अभी तक हम लोग पढ़े उसको एक बार फिर से पकड़ने का कोशिश करते हैं। क्या क्या पढ़े हम लोग, f = -kx, a = -k/m/x, ठीक है। तो a = ω²x, तो a + ω²x = 0, इसी को बोल दिए d²x/dt² और +ω²x = 0। याद रखना ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम है, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, कोई भी इक्वेशन होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा ना, इसको सॉल्व करने पर आएगा ये x = a sin ωt + φ, ये आएगा। अब इसका अर्थ समझाता हूं क्या है, इसका अर्थ समझाता हूं कि क्या है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, क्लियर है। तो इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या आया, x = a sin ωt + φ आया। किसका क्या नाम है उसको हम लोग समझें। तो सबसे पहले इधर एक लाइन बनाता हूं मैं एस एच एम कराने के लिए। तो एक लाइन ले लिया, क्या ले लिया, लाइन। एक पार्टिकल है जो एस एच एम कर रहा है, ये बराबर x = 0 पोजिशन, इसको बोल दिया हम x = 0 पोजिशन। x = 0 पोजिशन का दूसरा नाम है मीन पोजिशन, x = 0 का नाम है इक्विलिब्रियम पोजिशन। क्या होता है इक्विलिब्रियम पोजिशन, ऐसा पोजीशन जहां पर बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो यहां पर ए क्या है, ए सबसे पहले एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां से डिस्प्लेसमेंट, इधर देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजिशन x = 0 से इधर या इधर। ए क्या है यहां पर, ए को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ए यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। जैसे देखो पार्टिकल यहां से यहां गया, मान लेते हैं कि यहां तक आया मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जाएगा, तो x = +a हो गया, x = +a।
एक्स बराबर प्लस है यहां पर है और मान लेते हैं एक्स बराबर माइनस है। समझाता हूं, टेंशन नहीं लेने का। मतलब पार्टिकल यहां से यहां इधर जाएगा 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 रुक जाएगा। तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इससे आगे नहीं गया तो एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा देता हूं क्या होता है। एम्पलीट्यूड इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा ना उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्लियर है? ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है। ये इसको बोलता है राइट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब छोर होता है ना। और इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब बायां वाला छोर और राइट एक्सट्रीम मतलब दायां वाला छोर। सही है? तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मीन पोजिशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यही हुई एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सही है? आप देखो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर याद रख लेना है 2 पाई बटे टी और 1 बटे टी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी एफ। तो तुमको टाइम पीरियड समझाता हूं क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है वो समझ लेते हैं। पता है क्या होता है टाइम पीरियड? सबको पता है ना। इट इज मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन समझते हो? जैसे कि यहां से शुरुआत किया, यहां से यहां गया और यहां से जैसे यहां से यहां गया, ठीक, और फिर यहां से यहां आ गया, तो क्या एक ऑसिलेशन पूरा हो गया? ना ना, ना एक ऑसिलेशन कहां हुआ? यहां से यहां और यहां से यहां, तो हाफ ही ना हुआ, गया और आया, हाफ हुआ। तो एक ऑसिलेशन का मतलब यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से आएगा, तब एक ऑसिलेशन। यानी जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में फिर आने के लिए जो मिनिमम टाइम लगेगा उसको बोलेंगे एक टाइम पीरियड। मतलब यहां से गया, यहां से हाफ हुआ, ऐसे समझो। एक टाइम पीरियड क्या होता है देखो, जैसे यहां से गया यहां, जैसे यहां x बराबर 0 है, तो यहां से यहां जाएगा x बराबर ये तक, अब फिर यहां से यहां आएगा, अब फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से आएगा x बराबर माइनस से। यानी यहां से यहां हुआ, फिर यहां से यहां हुआ, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, अब हुआ एक टाइम। तो टाइम पीरियड क्या होता है? मिनिमम टाइम टेकन। क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्लियर है? क्लियर। यानी यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां जाके यहां आएगा, तब एक टाइम पीरियड हुआ। चाहे यहां से स्टार्ट करता है तो यहां से यहां जाके यहां आएगा तो एक टाइम पीरियड हुआ। बताओ तो एक टाइम पीरियड में कितना दूरी चलेगा? बताओ एक टाइम पीरियड में कितना दूरी चलेगा? गया और आया, ए ए 2a हो गया, 3a 4a। यानी एक टाइम पीरियड में कितना दूरी चलेगा? 4a। हाफ हुआ ना, हाफ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड हुआ तो एक टाइम पीरियड में कितना दूरी चला? ए ए ए ए, नहीं देख रहा? यहां से यहां गया ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, 4a हो जाएगा। नीट में पूछा हुआ है 2020 में, क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए भी। क्लियर हो गया? टाइम पीरियड क्या है? अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी जान लो। फ्रीक्वेंसी ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। पर लिख देता हूं मैं, ये होता है नंबर ऑफ
ऑसिलेशन, वो SCILLATI हुए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। ऐसे समझो, ऐसे समझो, टी सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड अगर टी है तो टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ, तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, एक बटा टी ऑसिलेशन हुआ, तो एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसीलिए एफ बराबर हमेशा वन बाय टी होता है, याद कर लेना, बहुत आसान है रे। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। अब देखो टाइम पीरियड अगर टी है तो टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ, टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन हुआ, तो एक सेकेंड में कितना हुआ, एक बटा टी ऑसिलेशन, तो एक सेकेंड में एक बटा टी ऑसिलेशन हुआ, वही हुआ फ्रीक्वेंसी। सवाल बनाओगे ना तभी अकल खुलेगा, यहां तक क्लियर है? अब देखो ये क्या है, ये टर्म क्या है, तो इसका नाम है इनिशियल फेज, इसका क्या नाम है, इनिशियल फेज। और ये टोटल को क्या बोलेंगे, टोटल को बोलते हैं फेज, यानी ये जो एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल इसको बोलेंगे फेज। ओमेगा टी प्लस फाइव को बोलेंगे फेज, फेज में क्या क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा फेज, यानी ये पूरे को बोलेंगे फेज और ये फाइव को बोलेंगे इनिशियल फेज, यानी टी बराबर जीरो पर का फेज। इनिशियल फेज का मतलब टी बराबर जीरो पर का फेज, टी यानी फेज में ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, टी बराबर जीरो कर दोगे तो फेज कितना होगा, जीरो प्लस फाइव, इसलिए इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्लियर है? एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड बोलेगा, कभी भी बोलेगा टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड क्या करोगे, टू पाई डिवाइडेड बाय ए टाइम का जो कोएफिशिएंट है ना ओमेगा से भागा दे, तो कहते हैं टू पाई बटा ओमेगा, टाइम पीरियड बराबर टू पाई बटा ओमेगा। ट्रिक याद रखोगे, टाइम पीरियड बराबर टू पाई बटा इसका कोएफिशिएंट ले लोगे टू पाई बटा ओमेगा, टाइम पीरियड बराबर टू पाई बटा ओमेगा, सही है? अब एक सवाल बना के हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसको। ये एग्जाम्पल देखो, हम लोग के सीट में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर थ्री है, क्या है, ए पार्टिकल्स मोशन इज रिप्रेजेंटेड एज ध्यान से देखोगे एक्स इज इक्वल टू 0.5 साइन 6 पाई टी प्लस पाई बाय 6 वेयर एक्स आर इन मीटर, एक्स जो है ना मीटर में है, और टी इज इन सेकेंड, टाइम जो है ना उस सेकेंड में है, तो कहते हैं निकाले, फाइंड करें, फाइंड नंबर एक में एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा, नंबर दो में टाइम पीरियड आराम से देखो, नंबर तीन में फ्रीक्वेंसी, नंबर चार में इनिशियल फेज, नंबर पांच में इनिशियल पोजीशन, और नंबर छह भी है, नंबर छह में है लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 1/6 सेकेंड, लोकेशन ऑफ पार्टिकल यानी पोजीशन, एट टी बराबर 1/6 सेकेंड, बताओ कैसे बनेगा, एक एक को हम लोग समझते हैं।
पहला क्या पूछ रहा है, पहला बोल रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के जगह क्या होगा एम्पलीट्यूड, तुमको पता है ना ये वाला को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जैसे x इज इक्वल टू पूरा लिख देता हूं मैं, x बराबर 0.5 साइन 6 पाई टी प्लस पाई बाय 6, तो यही ना हो गया मेरा एम्पलीट्यूड 0.5, तो एम्पलीट्यूड की जगह क्या रख देंगे, a बराबर रख देंगे 0.5 मीटर। टाइम पीरियड का मान कितना होगा, टाइम पीरियड बराबर t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, बोले थे याद कर लेना 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा यहां पर 6 पाई, तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है 6 पाई, यानी हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 सेकेंड हो जाएगा टाइम पीरियड। अब रही बात फ्रीक्वेंसी का, ये कैसे होगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, तो बराबर क्या होगा 3 सेकेंड हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 1/3 था ना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। इनिशियल फेज फाई को बोलते हैं ना, ये है मेरा इनिशियल फेज, कितना हो जाएगा पाई बाय 6। अब रहा इनिशियल पोजीशन किसको बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन का मतलब पोजीशन का वैल्यू टी बराबर 0 पर, समझ में आया, इनिशियल पोजीशन का मतलब पोजीशन का वैल्यू टी बराबर 0 पर, तो टी बराबर 0 रखो ना, तो 0.5 साइन यहां हो गया 0 प्लस पाई बाय 6, 0 प्लस पाई बटा 6, तो इस प्रकार से x बराबर आ जाएगा t बराबर 0 पर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू साइन 60 ने पाई बटे 6 30 डिग्री बराबर हाफ होता है। लोकेशन ऑफ पार्टिकल है टी बराबर 1/6 सेकेंड, ये बड़ा आसान है, तो इसका मतलब x का मान बोल रहा है टी बराबर 1/6 पर, निकल जाएगा, निकालो यहां 1/6 दो, 0.5 इंटू साइन 6 पाई था ना, सिक्स पाई इंटू टी के जगह 1/6 और प्लस पाई बटा 6, तो ये हो गया 0.5 इंटू साइन, देखो 6 से 6 पाई प्लस पाई बटा 6 साइन पाई प्लस पाई बटा 6 साइन पाई प्लस पाई बटा 6 थर्ड क्वाड्रेंट पे ए एस टी, साइन निगेटिव हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया, पाई प्लस पाई बटा 6 तो साइन हो जाएगा पाई बाय 6 में माइनस के साथ, नहीं माइनस यहां लगा दो, ये होगा माइनस 0.5 इंटू 1/2 यानी माइनस 0.5/2 हो जाएगा, क्लियर हो गया, सच्ची है। तो एक सवाल ले लो होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होगा इसका आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं आप।